हेलो, आज मैं आपको आर्थिक विश्लेषण की शाखाओं के बारे में बताऊंगी। आर्थिक विश्लेषण की दो शाखाएं होती है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब है कि छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन। इसमें हम दिए हुए साधनों का विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में आवंटन देखते हैं। इसमें विभिन्न वस्तुओं के मूल्य निर्धारण वह उत्पादन के विभिन्न साधनों के मूल्य निर्धारण की चर्चा की जाती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य रूप से हम तीन सिद्धांत देख सकते हैं। एक, वस्तु मूल्य निर्धारण। दूसरा, साधन मूल्य निर्धारण। और तीसरा, आर्थिक कल्याण के सिद्धांत। वस्तु मूल्य निर्धारण में या हम इसको कीमत सिद्धांत भी कह सकते हैं। एक ओर तो हम मांग के सिद्धांत का अध्ययन करते हैं और दूसरा उत्पादन व लागत के सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। मांग के सिद्धांत में हम उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करते हैं और उत्पादन के सिद्धांत में हम उत्पादक के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। साधन मूल्य निर्धारण में हम वितरण के सिद्धांत देखते हैं, उसमें मजदूरी, लगान, ब्याज, लाभ, इन सभी का निर्धारण कैसे होता है इसका अध्ययन करते हैं। वस्तु मूल्य निर्धारण और साधन मूल्य निर्धारण के साथ साथ हम आर्थिक कल्याण का अध्ययन भी करते हैं, वो भी माइक्रो में आता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक ओर तो हम व्यक्तिगत वस्तुओं और व्यक्तिगत बाजारों के संतुलन का अध्ययन करते हैं और दूसरी ओर सामूहिक संतुलन का भी अध्ययन करते हैं, जिसमें हम विभिन्न वस्तुओं के बाजार, विभिन्न साधनों के बाजार, मुद्रा और पूंजी बाजार परस्पर निर्भर होते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ, समष्टि का अर्थ है कि जिसमें हम संपूर्ण को लेते हैं, बड़े बड़े समूहों को लेते हैं। समष्टि अर्थव्यवस्था में बड़े समूह जैसे राष्ट्रीय आय, कुल बचत, कुल विनियोग, कुल उत्पादन, सामान्य कीमत स्तर, आर्थिक विकास, कुल उत्पत्ति, व्यापार चक्र, इसके अलावा बैंक, वित्तीय संस्थाएं, सरकारी संस्थाओं के आर्थिक कार्यकलापों का भी अध्ययन करते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत है वो क्या-क्या है? एक तो है आय और रोजगार का सिद्धांत, दूसरा है सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत, तीसरा है आर्थिक विकास का सिद्धांत और इसके अलावा वितरण के समष्टिगत सिद्धांत को भी हम इसमें देखते हैं। तो क्या-क्या चीज़ें हो गई इसमें? हम एक तो आय और रोजगार का निर्धारण कैसे होता है उसको देखते हैं, एक सामान्य कीमत स्तर का निर्धारण कैसे होता है उसको देखते हैं, आर्थिक विकास कैसे करना है इसको देखते हैं और इसके अलावा वितरण का समष्टिगत सिद्धांत भी हम इसमें देखते हैं। तो अब हम देखें कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का मूलभूत अंतर क्या है। मूलभूत अंतर जो है वो क्या है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करते हैं और समष्टि में हम बड़ी इकाइयों का, जिसका कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, उसका अध्ययन करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय जो है या आर्थिक व्यवहार जो है वो कीमत होता है और समष्टि का मुख्य आर्थिक व्यवहार आय होता है। समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो संतुलन की स्थिति का अध्ययन करता है और समष्टि असंतुलन की स्थिति का अध्ययन करता है। इसके अलावा अब हम देखें व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व क्या है, इसका उपयोग क्या होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है, सबसे पहले हम कीमत सिद्धांत की सहायता से निष्कर्ष निकालने में सहायता मिलती है हमको। कीमत सिद्धांत की सहायता से हम ये देख सकते हैं कि कौन बाजार की स्थिति क्या है, कौन सी वस्तु का उत्पादन करना है, कितना करना है। फिर कीमत सिद्धांत की सहायता से हम आर्थिक नीतियाँ बना सकते हैं कि सरकार जो है किस तरह से आर्थिक नीति बनाए, किस तरह से विभिन्न चीज़ों का जैसे लगान, ब्याज, मजदूरी आदि का नियमन जो है वो सरकार कर सकती है। इसके अलावा व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण में उपयोगी है। इसी की सहायता से हम ये देखते हैं कि उपभोक्ता को पूरा कल्याण प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है।
व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यावसायिक उपक्रमों के प्रबंध में भी मदद करता है कि कैसे वो कीमतों का निर्धारण करें, कैसे वो लागत विश्लेषण करें, रेखे प्रोग्रामिंग कैसे करें। व्यष्टि अर्थशास्त्र वस्तुओं और साधनों के प्रवाह का भी अध्ययन करते हैं हम इसमें। इसके अलावा व्यष्टि अर्थशास्त्र का सार्वजनिक वित्त व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भी महत्व होता है। इसके अलावा व्यष्टि अर्थशास्त्र की कुछ सीमाएं भी होती है, जैसे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर विचार नहीं करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र हमेशा पूर्ण रोजगार की मान्यता को मानकर चलता है, तो इसकी वजह से हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए नियम बनाना कठिन होता है। अब हम देखेंगे समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व व इसके प्रयोग क्या है। समष्टि अर्थशास्त्र जो है, जैसा कि आपको बताया कि बड़े बड़े समूहों का या संपूर्ण अर्थव्यवस्था का जिसमें अध्ययन किया जाता है, तो इसका जो महत्व है सरकार की आर्थिक नीति के निर्धारण में महत्व है कि सरकार किस तरह से आर्थिक नीतियां बनाए, आर्थिक नियोजन करना है। आजकल हम देखते हैं कि सभी सरकारें नियोजन करती है, तो इसमें नियोजन के लिए भी बड़े बड़े समूह चाहिए होते हैं, तो उसमें भी समष्टि अर्थशास्त्र काम आता है। इसके अलावा व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए भी समष्टि का अध्ययन आवश्यक है। जैसे अगर हम किसी एक चीज़ का कीमत निर्धारण करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको समष्टि का देखना पड़ेगा कि पूरी अर्थव्यवस्था में क्या सीन चल रहा है। इसके अलावा समग्र का अलग से ज्ञान भी आवश्यक है कि केवल छोटे छोटे समूह को हम देख लें, बड़े को ना देखें, तो वह भी नहीं चलेगा। तो इस तरह से समष्टि अर्थशास्त्र जो है आर्थिक नीतियों के लिए, संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझने के लिए, नियोजन के लिए, विकास के लिए इसको समझना आवश्यक है। अब हम देखेंगे समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं क्या है। समष्टि अर्थशास्त्र में मेन प्रॉब्लम क्या है कि एक तो हम विभिन्न छोटे छोटे समूहों को जोड़ के परिणाम निकालते हैं, तो छोटे छोटे समूहों का जोड़ करना बड़ा मुश्किल होता है। इसके अलावा इसके भ्रमात्मक परिणाम निकाले जाने का भय है, जैसे कि हमने सोचा देखा कि मान लीजिए कृषिगत पदार्थों की कीमतें तो कम हो गई और औद्योगिक पदार्थों की कीमतें बढ़ गई, लेकिन सामान्य कीमत स्तर अगर समान रहा और हम ये सोचे कि आर्थिक नीति को बदलने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये गलत हो सकता है, तो भ्रमात्मक परिणाम निकल सकते हैं। इसके अलावा विशाल इकाइयों को हम आवश्यकता अनुसार परिवर्तित भी नहीं कर सकते हैं, इसमें भी हमें मुश्किल आती है। इतने बड़े बड़े समूहों को किस तरह से हम अपना अध्ययन करें, तो इस तरह से माइक्रो की अपनी विशेषताएं हैं, अपने लाभ हैं और अपनी प्रॉब्लम्स है। इसी तरह से मैक्रो की अपने महत्व है, अपना उपयोग है, लेकिन इसकी भी अपनी सीमाएं हैं। लेकिन हम पहले माइक्रो ही पढ़ते थे, अब मैक्रो क्यों पढ़ने लगे? क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि माइक्रो लेवल पर सही होती है लेकिन मैक्रो लेवल पर वो गलत हो जाती है। जैसे उसको हम कहते हैं समष्टिमूलक विरोधाभास। जैसे एक व्यक्ति अगर बचत कर रहा है तो उसको हम बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन अगर मंदी चल रही है देश में और ऐसे समय में सब लोग ज़्यादा बचत करने लगे तो क्या होगा? मांग की कमी हो जाएगी। तो ऐसे समय में बचत जो एक व्यक्ति के लिए गुण है वो अर्थव्यवस्था के लिए बुराई हो जाता है। इसी तरह से कई सारे सिद्धांत जो है हम बनाते व्यक्ति के लिए वहाँ सही होता है लेकिन वो समष्टि के लिए गलत हो सकता है, तो इसीलिए अलग से हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है। अब हम देखें कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपस में क्या संबंध है। तो दोनों परस्पर संबंधित है। ऐसा नहीं है कि हम केवल माइक्रो पढ़ के काम चला लेंगे या केवल मैक्रो पढ़ के काम चला लेंगे। माइक्रो के लिए मैक्रो की ज़रूरत होती है और मैक्रो के लिए माइक्रो की ज़रूरत होती है। जैसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में कीमतों का निर्धारण करते हैं, तो अब चाहे हम साधन की कीमत निर्धारित करें चाहे वस्तु की करें, दोनों के लिए ही हमें अर्थव्यवस्था में किस तरह की कीमतें चल रही इसको देखना पड़ेगा। इसी प्रकार से हम ये देखें कि आय जो है, आय की ज़रूरत, जैसे आय के सिद्धांत मैक्रो में ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आय जो है वो माइक्रो में भी होती है। तो कीमतें
जो है वो मैक्रो में भी होती है और आय जो है वो माइक्रो में भी होती है। तो हमें अगर संपूर्ण अर्थव्यवस्था का या आर्थिक विश्लेषण करना है तो हमें मैक्रो और माइक्रो दोनों ही अत्यंत आवश्यक है। अगर हम एक को समझते हैं और दूसरे को नहीं समझते हैं तो हम अर्ध शिक्षित रहते हैं। थैंक यू।